फ्रेंड्स, मिक्की सिलाई टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ किचन के लिए बहुत ही यूजफुल, हमारा किचन के लिए जो आप लोगों को अगर सामान ज्यादा नहीं है, किचन छोटा है, अगर सामान नहीं अट रहा है, उसके लिए मैं आज आपको लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने पैकेट का जींस का मैंने बनाया ये हमारा, और बहुत ही यूजफुल है। आप देखिए इस तरह आप सामान इसमें रख सकते हैं, बहुत ही झटपट बनेगा और बहुत ही जल्दी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें, तब आपको पता चलेगा कैसे मैंने बनाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए मैं क्या ली हूँ, ये जींस का कपड़ा है, जींस का कपड़ा मैंने दो लिया है, और हम ये देखिए पट्टी लगाने के लिए तीन है इस तरह। तो मैं सबका मेजरमेंट बता देती हूँ, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हमें लेनी है 25, ये देखिए 25 है, देख सकते हैं, ये देखिए 25 है। और इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंच लेनी है, ये देखिए। तो बस ये दो भाग है, और इसकी भी चौड़ाई बता देती हूँ, ये देखिए इसकी तो 9 ही रहेगी चौड़ाई, और बस ये जो हमारा है लंबाई ये 7.5 है, ये देखिए 7.5। तो अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो लंबा वाला हमने दो पार्ट लिया था, इसमें हम बीच में फोम डालेंगे। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, बिना फोम के भी बना सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैं दे दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह, अब इसे सभी को इस तरह लंबा ज्वाइंट कर लेना है सभी को इसके अंदर। तो ये देखिए तीनों को इस तरह हमने रख दिया है, और इसके बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने तीनों को अटैच कर लिया है सभी को इस तरह। अब इसे साइड में रखते हैं, अब छोटे वाले पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए अब ये तीन जो पार्ट हमने लिया था इस तरह छोटा वाला, अब इसमें मैं पहले पाइपिंग लगाऊंगी। तो इस तरह हमें पाइपिंग लगाना है, ये देखिए इस तरह रखेंगे, ये देखिए इस तरह रखेंगे, और पहले इस पे सिलाई चलाएंगे, उसके बाद पलट के हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए इसे इस तरह सिलाई चला देते हैं। तो ये देखिए इस तरह कर दिए, और ये देखिए इस तरह पलटेंगे, और ये वाला इस तरह फोल्ड करेंगे, और ये देखिए इसके ऊपर इस तरह पाइपिंग लगाएंगे। आपके पास जो भी कपड़ा है आप वो दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह, तो ये देखिए इस तरह मोड़कर इस पे पाइपिंग चला लेना है, ये देखिए आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह, इसी तरह तीनों में हमें बनाना है। तो ये देखिए तीनों में हम अच्छे से पाइपिंग लगा लिए हैं, अब हमें इसे सेट करना है। तो ये देखिए इस तरह पहले एक नीचे रखेंगे, फिर इस तरह। अब इसका मैं मार्क करके दिखाती हूँ कि किस तरह हमें सेट करना है। तो ये देखिए ये वाले चीज पर हम, तो ये देखिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच इस तरह मार्क लगाएंगे, और ये हमें नीचे लगाना है, ये देखिए इस पे, ये वाले पे नहीं, इस पे हमें 1.5 इंच यहाँ से इस तरह नापेंगे, और नीचे में इस तरह जाके जहाँ पे 1.5 इंच होगा मार्क कर देंगे। इसी तरह इसके भी, ये देखिए यहाँ से 1.5, और इसके नीचे में जाकर इस तरह कर देना है। तो अब हमें इसे ज्वाइंट करना बताती हूँ इस तरह। तो ये देखिए इस तरह इस मार्क पे हमें ये वाला पार्ट इस तरह रखेंगे इस तरह, और ये इस तरह, और फिर ये वाला इसके ऊपर इस तरह मार्क पे, ये जो मार्क है हमारा इसके ऊपर रखेंगे, और इसे इस तरह, और बस इसपे हमें सिलाई चला देना है, ये देखिए इस तरह इधर भी और इधर भी। चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैं इसे सिलाई कर लेती हूँ। देखिए एक पट्टी हमने इस तरह नीचे में ज्वाइंट कर लिया है, अब हम इस हटाएंगे, और ये जो मार्क हमने था उसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और पहले इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, और तब इसके ऊपर मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। तो पहले इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने इसपे ज्वाइंट कर लिया, अब इसके ऊपर रखकर इस पे पट्टी पे इसे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह सारा हम कर लेंगे, इस पे भी इसी तरह पहले बैठा लेंगे, सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ये वाला सेकेंड वाला हो चुका है, अब ये फिर इसी तरह मैं रखूंगी इस निशान पर, और इस तरह रखेंगे, और इसके ऊपर सिलाई करेंगे, ये आराम से ऊपर आ जाएगा इस तरह। और उसके बाद हम किनारे पे साथ चारों तरफ इस तरह लगाएंगे सिलाई। तो ये देखिए पट्टी हमारा तब पैकेट बन जाएगा।
तो ये देखिए सभी ज्वाइंट हो चुके हैं इस तरह। अब हमें किनारे सभी को इस तरह सभी पे सिलाई कर लेना है, उसके बाद हम पट्टी लगाएंगे। ये देखिए अब हमें, ये देखिए हमारा ज्वाइंट हो चुका है चारों तरफ। अब हमें इसे थोड़ा सा इसे, तो ये देखिए इस तरह हम थोड़ा सा इसकी गोलाई कर देंगे, ये देखिए इस तरह, और इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने इस तरह कट कर लिया। अब हमें फिर से पट्टी लगाना है, तो इसी तरह मैं अब नीचे से ही स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह पट्टी रखेंगे, पहले चारों राउंड में इस तरह हम ऐसे जोड़ लेंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए बनके हमारा एकदम तैयार हो गया है। ये बहुत ही यूजफुल चीज आने वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये यूज आएगा। आपका किचन अगर छोटा है तो इस तरह आप इसे बनाकर आपका ढंग का कोई भी सामान इस तरह रख दीजिए इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह हमने सामान अरेंज कर दिया और ये बहुत ही अच्छा लगेगा किचन में, और सामान भी हमारा बहुत ही अच्छा यूज आ जाएगा और आपका सामान अच्छे से अरेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा कलाकारी अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसे एक बार ट्राई करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएं और एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।